उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से देहरादून में आयोजित किया जाएगा यह सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा को इसकी सूचना दे दी गई है। प्रस्ताव विधायी विभाग ने मुख्यमंत्री के पास भेजा था जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूर कर लिया है 16 नवंबर की कैबिनेट बैठक में औपचारिक रूप से इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी तीन ऐसे विधायक थे जिन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून में ही आयोजित किया जाना चाहिए इस सत्र में तीन महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा के केंद्र में होंगे अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा यानी कि राज्य सरकार के खर्चों को मंजूरी विधानसभा से मिलेगी इसके अलावा महिला क्षतिज आरक्षण के मामले में अध्यादेश पेश किया जा सकता है और साथ साथ राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ मिले इसके लिए संशोधित विधेयक फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है सत्र को गैरसैंड में आयोजित किए जाने की कई सदस्य पैरवी कर रहे थे कांग्रेस इसके पक्ष में लगातार दबाव बना रही थी लेकिन अब तय हो चुका है कि सत्र देहरादून में ही आयोजित किया जाना है देखना होगा कि सत्र कितना हंगामेदार रहता है या कितना इस सत्र में काम हो पाता है